गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको चैप्टर 7 में फ्रैक्शन पढ़ाने जा रहे हैं। फ्रैक्शन का वैसे इंट्रोडक्शन वीडियो कुछ वीडियो हम आपको कल शेयर किए थे और आज हम आपको उसका आगे बताने जा रहे हैं। फ्रैक्शन के बारे में आप लोगों को नॉलेज हो गया होगा। आज हम आपको बता रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, इसमें लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। सबसे पहले क्या है, लाइक एंड अन लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप लोगों ने पढ़ा कि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स होते हैं। वैसा फ्रैक्शन जैसे फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा, वो लाइक फ्रैक्शन होगा। जैसे एग्जाम्पल वाइज अगर हम पता है आपको लिखे यहाँ पे 2/8 लिखते हैं, 3/5 लिखते हैं, 4/8 लिखते हैं, 6/3 लिखते हैं और 5/8, 9/8, 3/2 ऐसे कुछ हम फ्रैक्शन लिख रहे हैं। अब इसमें बोलेंगे कि लाइक फ्रैक्शन क्या है और अनलाइक फ्रैक्शन क्या है। इसमें हम करते हैं लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन क्या है और अनलाइक फ्रैक्शन क्या है। अनलाइक फ्रैक्शन, तो लाइक फ्रैक्शन अभी हम आपको बोले कि वैसा फ्रैक्शन जैसे फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर्स, वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा, वो होगा आपका लाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होगा, जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। जैसे लाइक फ्रैक्शन हम इतने सारे फ्रैक्शन लिख दिए यहाँ पे, अब इसमें लाइक फ्रैक्शन कौन होगा जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा। यहाँ पे 8 देते हैं, यहाँ 8 8 8 और कोई मिल नहीं रहा है, जैसे 5 है इसका डिनोमिनेटर, इसका 3 है, इसका 2 है, ये तीनों ही डिफरेंट है, इसलिए आपका लाइक फ्रैक्शन क्या होगा, 2/8, 4/8, 5/8 और 9/8। आप इसमें देख रहे हैं कि सबका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, सबका डिनोमिनेटर 8 है। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होगा, तो अनलाइक फ्रैक्शन दिया हुआ है फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसमें भी देख रहे हैं आप, इसमें 3/5, 6/3 और 3/2, ये क्या आपका, ये तीनों अनलाइक है क्योंकि तीनों का ही डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। आप लोग समझ गए कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है और अनलाइक क्या होता है। वैसे आपके बुक में दिया हुआ है, हम एक ये करके बता दिए आपके, इसमें तो एग्जांपल दिया हुआ है। अब है यूनिट फ्रैक्शन, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपका यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, फिर प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर, प्रॉपर फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होगा, जिसका न्यूमरेटर क्या होगा, 1। बस आप लोगों को याद रखना है कि जिसका न्यूमरेटर 1 होगा वो आपका हो गया यूनिट फ्रैक्शन। बस फ्रैक्शन हैविंग 1 एज देयर न्यूमरेटर आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। आप लोग ये सब चीज जो है कॉपी में लिख लीजिएगा, फ्रैक्शन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कम से कम ये सब थ्योरी के तौर पे, जैसे यहाँ पे लिखेगा TLCOR, ये आपको तब याद रहेगा कि जैसे फ्रैक्शन हैविंग 1 एज देयर न्यूमरेटर आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। क्या होगा, जिसका न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या हो, 1 हो, न्यूमरेटर 1, जैसे 1/9, 1/8, 1/3, 1/7, ये सब क्या है आपका यूनिट फ्रैक्शन है। अगर कुछ फ्रैक्शन दिए हुए रहेंगे और उसमें न्यूमरेटर 1 रहेगा तो क्या होगा, ये यूनिट फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन है,
फ्रैक्शन आप लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन किस चीज से बनता है, जैसे एट अपॉन में कोई भी अगर हम लिखे एट अपॉन सिक्स लिखे तो ये क्या है, ऊपर वाला पार्ट क्या होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को क्या होता है डिनोमेटर। अगर हम एन और डी से डिनोट करें तो एन मतलब हो गया आपका न्यूमरेटर और डी हो गया डिनोमेटर। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है तो लिखा है फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमेटर। क्या न्यूमरेटर, इसका हेडिंग न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ठीक है। उस तरीके से होगा इसका होगा क्या इम्प्रॉपर का डिनोमिनेटर लेस देन न्यूमरेटर। अगर कोई फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर मतलब न्यूमरेटर क्या हो छोटा हो डिनोमिनेटर से, ऐसे क्या हो डिनोमिनेटर लेस देन न्यूमरेटर। जैसे कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या न्यूमरेटर क्या हो छोटा होगा, इसका क्या होगा न्यूमरेटर छोटा होगा। जैसे 3/8 इसमें क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है। 6/3, 9/4 ये क्या हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन ठीक है। उसी तरीके से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा तो डिनोमिनेटर लेस देन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर क्या अब न्यूमरेटर इसमें क्या होगा बड़ा होगा। जैसे 9/6 3/2 लिखे और 7/4 इसमें आप देख रहे हैं कि ऊपर का जितने भी पार्ट है वो क्या है आपका बड़ा है, बस ये तो होल हो जाएगा यहाँ पे 2 ही लिखते हैं। ये आप देख रहे हैं कि जितना भी इसमें इसमें न्यूमरेटर जितना भी ऊपर वाला पार्ट है वो क्या है छोटा है, इसमें क्या है ऊपर वाला पार्ट बड़ा है, जैसे कि न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। बस आप लोगों को इतना याद रखना होगा और ये चीज याद रखना होगा, अगर आप इतना याद रखते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि इम्प्रॉपर में क्या होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कि डी मतलब न्यूमरेटर बड़ा होगा और ऐसे न्यूमरेटर छोटा होगा। और ये आपको मतलब एक बार कीजिएगा दो बार कीजिएगा प्रैक्टिस करने से ही बन सकता है अच्छे तरीके से प्रॉपर ऑर्डर। फिर है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन हम यहाँ पे ऊपर में कर देते हैं यूनिट फ्रैक्शन मिटा के हम यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन बता दे रहे हैं आपको। मिक्स्ड फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है जिसमें होल नंबर भी हो, होल नंबर क्या होता है एक कंबाइन ऑफ ए होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। मतलब वैसा जो क्या हो होल नंबर हो डब्ल्यू एक्चुअली होल नंबर, होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये होल नंबर क्या होता है जो क्या अपने आप में पूरा हो, होल नंबर क्या हो गया जैसे अभी हम लिख रहे जस्ट 9/3 ये तो है फ्रैक्शन फॉर्म में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमेटर, लेकिन ये क्या है एक तरीके से जैसे 3 × 3 = 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3, ये 3 क्या है अपने आप में पूरा है। जैसे होल नंबर मान लिया जैसे एक रोटी है, ये रोटी 1 है ये 2 है ये 3 है, मतलब ये क्या है टोटल पूरा पूरा रोटी है। अब इसको फ्रैक्शन में जैसे अब जैसे अब होगा 1, 2, 3 और आधी रोटी, जैसे आप लोगों ने 3 रोटी खाया मतलब तो 3 पूरा रोटी खाया होल, होल मीन्स क्या होता है पूरा, तो अपने आप में पूरा है। लेकिन अगर आप लोगों ने खाया 3 रोटी और आधी रोटी खाई तो ये क्या हो गया आपका मिक्स हो गया, जैसे देख रहे हैं 3 पूरा और आधा, इसको हम कैसे लिखेंगे तो 3 पूरा हो गया आपको क्या लिखेंगे तो 1/2 तो ये क्या हो गया मिक्स फ्रैक्शन हो गया। तो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन, अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है जिसका न्यूमरेटर हमेशा क्या हो छोटा हो, जैसे होल नंबर क्या हो गया तो 9/3/6 ये क्या आपका मिक्स फ्रैक्शन है। कुछ इसमें एग्जाम्पल दिए हुए कि ये मिक्स फ्रैक्शन है
और होल नंबर में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे वन भी हो सकता है, वन टू अपॉन फोर ऐसे। और अगर हम लिख देंगे, अगर हम लिखते हैं कि टू अपॉन एट अपॉन सिक्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये आपका क्या है, इम्प्रोपर हो गया, प्रोपर नहीं है, तो इसलिए ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, इसका मिक्स फ्रैक्शन कुछ और होगा, बट ये आपका सही है, सही है, ये गलत हो गया। इसीलिए आप जब भी मिक्स फ्रैक्शन कीजिएगा तो हमेशा ही उसका जो होगा ये होल नंबर होगा और ये आपका इम्प्रोपर में होगा, ये प्रोपर में होगा, इम्प्रोपर में नहीं होती, प्रोपर में। अब मिक्स को जब हम फ्रैक्शन में ले जाते हैं तो वो क्या होता है, आपका इम्प्रोपर फ्रैक्शन होता है, वो भी आप लोगों को बताएंगे। अब नेक्स्ट जो है कवरिंग इम्प्रोपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन है, और कवर मतलब मिक्स फ्रैक्शन इंटू इम्प्रोपर, मतलब इम्प्रोपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, वो भी हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज 7 ही बताएंगे। थैंक यू।